हेलो फ्रेंड्स, सिक्स फ्लेवर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये शुगर जूस बना रही हूँ जो आप मॉर्निंग में खाली पेट लें। ये बहुत ही अच्छा, ये हम खीरा लिए हैं और टमाटर है, ये 2 गिलास के लिए है, और ये 2 करेला है, और इतना हम एलोवेरा जूस का ले लिए हैं डंठल काट करके, और ये पुदीना है, और ये सदा सदा सुहागिन का जो फूल होता है वो है, और ये उसी की पत्ती है, ये ऊपर वाला कोमल पत्ती है, ये कड़ी पत्ता है। अब इसको हम पीस लेंगे, इसको हम मिक्सी जार में डाल लेंगे, सबको एक साथ मिक्सी जार में डाल लेंगे, और हम 1/2 गिलास पानी डालकर इसको पीस लेंगे। ये हम सभी इसमें डाल दिए हैं, और इसमें हम 1/2 गिलास पानी डाल दिए हैं। ये हमारा पीस गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, और इसमें जो भी अभी गुठली बचा है ना, इसको एक बार और निकाल करके हम पीस लेंगे। ये हम सभी पीस करके 2 बार इसको मिक्सी में चला लिए हैं, और इसका देखिए इतना अच्छा है। और अभी ये हम ताज़ा ही इसको छान लेंगे अच्छे से, और थोड़ा और पानी इसमें डालकर अच्छे से छान लेंगे, और इसको पूरा इसका जूस हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा है, कोई भी इसमें चीज़ जो है नुकसान के लिए नहीं है। आप सप्ताह में 2 से 3 बार इसको पी सकते हैं। ये हम सभी अच्छे से छान लिए हैं। ये टोमेटो सूप अगर बनाते हैं उसका छन्नी होता है ना, उसे भी बहुत अच्छे से छन जाएगा। और ये हम सभी छान लिए हैं, ये हमारा इतना तैयार हो गया है जूस, ये अब बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हम ग्लास में बहुत ही अच्छा है, शुगर तो हर 2-3 दिन पे आप बना ले, तो अगर डेली नहीं पीते हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार पी सकते हैं। बहुत ही टेस्ट में भी ख़राब नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगता, पुदीना वगैरह डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो पल्प हमारा बचा ना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम पौधों की क्यारियों में डाल देंगे, या बाल्टी में डाल के इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे 2 दिन, और फिर पानी मिक्स करके इसको हम क्यारी में डाल देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये जूस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।